हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड का बिल्कुल नया नाश्ता। गारंटी आपने ऐसा नाश्ता ना कभी देखा होगा ना कभी खाया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और ये बहुत ही झटपट से बन जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी हेल्दी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आपका बच्चा सब्जियाँ खाने से भागता है तो ये नाश्ता आप उसको बनाकर देंगे, वो खुशी खुशी खाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड, जो व्हाइट वाले लिए हैं, अगर आप चाहें तो ब्राउन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने ब्रेड के 6 स्लाइस लिए हैं, तो आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। मैं मीडियम फैमिली के लिए बना रही हूँ, तो ये 2 से 3-4 लोगों के लिए आराम से ये नाश्ता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और उस पर हम ये ब्रेड को रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको हम रिमूव करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। इसका आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ से निकाल लेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इस तरह से निकाल लिया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड, इस वाले ब्रेड का भी हमको वही हाल करना है जैसे हमने ये वाला किया था, इसके ब्लैक वाला हिस्से को निकाल देंगे। तो चलिए रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हम फटाफट निकाल देते हैं चारों तरफ से। और आप इसका ब्रेड गम बना सकते हैं, वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए हम इसे फटाफट निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से निकाल लिया, अब क्या करना है। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने निकाल दिए इसके सारे ये जो ब्लैक वाले हिस्से होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में करके प्लेट में रखते जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से रफली इसे तोड़ देना है। तो चलिए फटाफट हम इसे कर लेते हैं। तो सारी ब्रेड को करके रखते रहे। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसके कर लिए हैं पीसेस छोटे छोटे। आपको मिक्सी जार में नहीं डालना है इसको, क्योंकि इसको हाथ से ही करना है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ और एक पैन रख दिया है। पैन आपको थोड़ा सा हैवी वेट रखना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच से कम तेल, 1/2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से हीट होने देंगे। तो जब तेल में से धुआं निकलने लगेगा, हम इसमें 1 चम्मच जीरा इस तरह से अच्छे से मसलते हुए डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पत्ता गोभी, जो वेट में बताऊं तो 10 ग्राम है और नाप में बताऊं तो एक छोटी कटोरी है। और अब हम 1 कटोरी ही गाजर डालेंगे, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। और साथ ही में हम डालेंगे प्याज, जो हमारी एक मीडियम साइज की प्याज थी, इसको हमने मोटा मोटा कट कर लिया, वो डाल देंगे। और 1 ग्रीन चिली जो हमने इस तरह से कट कर ली, इसको डाल देंगे। ज्यादा ग्रीन चिली नहीं डालनी, 1 ग्रीन चिली थोड़ी सी मोटी मोटी चॉप करके डाली है। स्वाद अनुसार नमक 1/2 चम्मच, चुटकी भर हल्दी, ज्यादा हल्दी नहीं बस चुटकी भर काफी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, ज्यादा गरम मसाला भी नहीं डालना है, 1/4 चम्मच चाट मसाला। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सब्जियों को हमें कुक नहीं करना है, बस इसका हमें कच्चापन दूर करना है। तो 1 से 2 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे, गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। और हाई फ्लेम पर हम सब्जियों को अच्छे से सॉटे करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, जो जो वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस समय मेरे पास इतनी ही थी तो मैं इतनी ही ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे 1 से 2 मिनट। तो फ्रेंड देखिए, सब्जियों का कच्चापन दूर हो चुका है और हल्की हल्की सब्जी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। बस हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जियों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो जब तक सब्जी ठंडी हो रही है तब तक हम इसे साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड, जब तक हमारी सब्जियां ठंडी हो रही है, हमारी जो ब्रेड थी, अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे छोटे वाले मिक्सी के जार के अंदर आराम से। तो इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर लिया है। और अब हम इसमें 2 चीजें डालेंगे। तो सबसे पहली चीज है सूजी, तो सेमोलिना डालनी है, जो बारीक वाली होती है वो डालनी है, मोटी वाली नहीं डालनी है। और ये हम 3 से 4 चम्मच डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, बस 3 से 4 चम्मच चाय वाले जो होते हैं वो ऐड कर दिया है मैंने। और वेट ने बताओ तो 20 ग्राम है ये। और 2 चम्मच हम खट्टा दही ऐड करेंगे। तो खट्टा दही इसलिए ऐड करना है ताकि इसमें एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस आ जाए। तो और अब हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। और अब हम इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बनाकर आपको दिखाते हैं। ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमको इसको थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनाना है, तो बैटर बनाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, मैंने पीस लिया है, देख लीजिए कितना स्मूथ पीसा है और बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड किया है। तो अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एक बड़े साइज के बर्तन में हम सारा का सारा घोल ट्रांसफर कर लेंगे। तो इस तरह से घोल ट्रांसफर करने के बाद, जो हमारी वेजिटेबल ठंडी हो चुकी है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी की सारी। देखिए कितने अच्छे से,
हमारी वेजिटेबल सॉटे हो चुकी है इसके अंदर, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करना है सब्जियों को, हमें बहुत ज़्यादा कस के नहीं चलाना है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हम 2 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। तब तक हम एक अमेजिंग सी चटनी आपके लिए बना देते हैं जो इस नाश्ते की जान है। चटनी के साथ नाश्ता जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट चटनी बनाना शुरू करते हैं और इसको हम कवर करके रख देते हैं साइड में। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हैवी पैन लेना है, कोई भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, और तेल को अच्छे से हीट हो जाने देंगे। जैसे ही हमारा तेल हीट होगा हम आगे का काम करेंगे। तो जैसे हमारा देखिए हो गया है तेल गर्म, तो अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच कच्ची मूंगफली, जो वेट में बताऊँ तो 30 ग्राम है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आएगी, वो है हमारे टमाटर। तो पके हुए लाल टमाटर का इस्तेमाल करना है, जो हमारे 100 ग्राम है और मात्रा बताओ तो 3 मीडियम साइज के टमाटर है। इसको हमने बड़ा बड़ा कट कर दिया, ये हम डाल देंगे। और अब हम एक प्याज मीडियम साइज की थी इसको डाल देंगे कट करके मोटा मोटा। 2 लहसुन की कलियां, 1 ग्रीन चिली जिसको हम इस तरह से तोड़ कर डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच साबुत धनिया जिसको हमने साबुत वाली लिया, आप चाहे तो टूटी वाली भी ले सकते हैं। सभी को हम धीमा धीमा भून लेंगे 1 से 2 मिनट। तो देखिए 1 से 2 मिनट के बाद इससे कलर आना शुरू हो चुका है, और इस तरह से हमें भूनना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट लगते हैं, टमाटर देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। टमाटर को हमें हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए प्याज भी हमारी पक गई है और टमाटर भी सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो 1 से 2 मिनट लगता है, तो ये हो चुका है डन। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, तब इस्तेमाल करेंगे, तब इसकी चटनी बनाएंगे। तो पहले ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं मिक्सी जार में। तो फ्रेंड इस तरह से हल्का सा गुनगुना होना चाहिए पीसते समय, बहुत ज़्यादा जलता हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसे हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो पीसेगा नहीं। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने इसे पीस लिया है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, आपको भी पानी नहीं डालना है। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा पीस लेना है और गाढ़ा गाढ़ा सा। अब इनसे मैं एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने निकाल लिया है, अब चलिए इस चटनी को और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो एक तड़का लगाएंगे, तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, और तेल को बिल्कुल धुआंदार गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे हींग, तो 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, हींग को अच्छे से तड़कने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच व्हाइट वाली तिल, और इसको भी अच्छे से तड़कने देंगे। इस तरह से इसका सीख कर लेंगे। तो जैसे ही हमारे तिल का कलर आ जाएगा हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। तो राई अलग होती है और सरसों के दाने अलग होते हैं। तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो तिल और राई बहुत ज्यादा उछल कूद करती, तो आपको थोड़ा सा दूर रखना होगा अपने आप को, नहीं तो आपके फेस पे छिटके पड़ सकते हैं। तो इस तरह से लग गया तड़का, बहुत ही ज्यादा टेस्टी तड़का लग गया इसके अंदर। तो फ्रेंड रेडी है हमारी अमेजिंग सी चटनी, और इस तड़के के साथ ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बना के खाएंगे। 10 से 15 दिन तक ये चटनी ख़राब नहीं होती है, और देखिए कितनी ज़्यादा स्मूथ है, कितनी ज़्यादा रिची लग रही है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें जो तिल और राई का जो तड़का लगता है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हमारी ये चटनी हो गई कम्प्लीट। अब इसे साइड में रख देंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड चटनी को साइड में रख देते हैं और आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से सेट हो चुका होगा, तो देख लीजिए अच्छे से फूल चुका है और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे नाश्ता, बिल्कुल टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड की इडली। अगर आपके पास कभी भी मौका ना हो इडली बनाने का और आप दाल चावल भिगाना भूल गए हो, तो आप कैसे फटाफट मेहमानों के लिए बना सकते हैं ब्रेड की इडली, इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो हल्का हल्का सा सरसों का तेल लगा दे रही हूँ, आप चाहे तो किसी और का भी लगा सकते हैं, और ब्रश से भी लगा सकते हैं। मैं हाथों से ही फटाफट अप्लाई कर दे रही हूँ, हाथों से जो काम होता है वो ब्रश वगैरह से नहीं हो पाता है। सब कहने की बातें हैं, हाथ हमारा देसी अंदाज है करने का। और अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे, तो ज़्यादा मिश्रण नहीं लेना है, 1.5 चम्मच हम इसके अंदर फिल करेंगे, क्योंकि ये पकने के बाद फूल जाएंगे। और इसमें कोई बेकिंग पाउडर या सोडा वगैरह नहीं मिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी ब्रेड होती है उसमें काफ़ी ईस्ट वगैरह पड़ा होता है। तो बिना आप इसको
बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के इस्तेमाल के बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये चटपटे बनते हैं और आप इसमें कोई और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारे फिल कर लेती हूँ इसी तरह। तो 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है आपको। तो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसे आप लोग मिस कीजिएगा, सॉरी इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड के लोग इतने पागल हैं जब मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ उनकी सारी नौटंकी शुरू हो जाती है, क्योंकि दूसरों को काम में डिस्टर्ब करना कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, उनकी हैबिट होती है, तो उनका कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से फिल कर लेंगे डियर। तो हो गया है, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो हो गया ना फिल, अब चलते हैं गैस की तरफ बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक कढ़ाई रखी, उसमें हमने रखा है पानी 4 से 5 गिलास और इसे अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा हम इसको रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से रख दिया है, अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके 10 से 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे। तो 5 मिनट में ये बन जाएगा, 10 मिनट नहीं लगेगा सॉरी। तो 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसे बिल्कुल आराम से खोलते हैं। तो देखिए ये अच्छे से डन हो चुके हैं, पक गए हैं। अब हम इसे निकाल कर ठंडा करेंगे, तब इसके बाद हम इसको निकालेंगे। अगर आप गरम गरम निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो चलिए इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, अब हल्की सी ठंडी हो चुकी है, हम इसे छू पा रहे हैं। तो बिल्कुल गर्म में आप निकालिएगा। और अब हम नाइफ लेंगे और इसके इस तरह से सेंटर पर मारेंगे। तो ये देखिए, अगर आप भारी नाइफ लेते हैं तो ये आसानी से हो जाता है। तो देखिए निकल आया। और चलिए इसी तरह अपने दूसरे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए डन है, और इसी तरह अपने सारे निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से निकाल लिया है और ये गई हमारी चटनी। तो बनकर रेडी है हमारा ब्रेड का बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता, जिसे आप इडली भी बोल सकते हैं। जब आपका मन हो आप इसे बनाकर खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको तड़का भी लगा सकते हैं, यानी इसको थोड़ा सा तल भी सकते हैं। लेकिन देखिए कितनी जालीदार ये बनी है, कितने अच्छे से कुक हुई है। इस तरह से बनाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि इस चटनी के साथ ये इतना ज़्यादा टेस्ट लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो फटाफट से बन जाता है बहुत ही कम टाइम में, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये चटनी आपकी 10 से 15 दिन तक बिना के खराब नहीं होगी। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और हेल्दी वेजिटेबल से भरपूर ये नाश्ता जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।